लिखिए भाई क्वेश्चन लिखिए, वो मैं डिसाइड करूंगा ना, वो मैं भाई रे शांत बिल्कुल। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनिक हैज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनिक हैज टेंजेंट एक्स प्लस रूट थ्री वाई माइनस टू रूट थ्री इक्वल जीरो एट पॉइंट थ्री रूट थ्री अपॉन टू वन बाई टू। ऑप्शन ए वाई स्क्वायर इक्वल एक्स अपॉन सिक्स रूट थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल टेन, नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल वाई अपॉन, बस रे आवाज नहीं आनी, दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनिक हैज ए टेंजेंट, की में से किसके पास ये टेंजेंट होगी एट पॉइंट थ्री रूट थ्री अपॉन टू कोमा वन बाई टू। और मैंने सवा बारह बजे बोला था क्लास में एंट्री उसके बाद नहीं, डी नहीं। अरे बात नहीं किसी की, अरे सबसे पहले तो ये देख लो कि इनमें से कौन सा है कर्व एट पॉइंट पे बात पास हो रहा है, एक तो वही बात चेक कर लें। अगर कोई भी हम बात करें कॉनिक हैज ए टेंजेंट, कि इनमें से किस कॉनिक की टेंजेंट होगी ये हमें चेक करना है एट पॉइंट, ठीक है। तो ये एफ एक्स गिवन है तो पक्का ये पॉइंट इस कर्व पे तो होंगे ना, तो इस कर्व जितने चार कर्व है इनको तो सेटिस्फाई करेंगे, जो इनको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ये पॉइंट वो तो हो ही नहीं सकता। तो पहले ये वैल्यू ही पुट करके चेक करें, तो कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ए और सी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए बी और सी बी इस केस में दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। या देखो वाई स्क्वायर वन बाई फोर थ्री रेट थ्री अपॉन टू ए और सी ऑप्शन दोनों इस पॉइंट से पास हो रहे, तो इसका मतलब जो बी और डी है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बी और डी तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इस पॉइंट से पास होंगे तो सबसे पहले तो उस कर्व को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट आप जानते हो क्या होती है, एक्स अपो एक्स इंटू प्लस वन, ठीक है। अगर इस ऑप्शन की बात करें ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन इक्वल वन, ऑप्शन सी एक्स एक्स वन, तो यहां से x इंटू
थ्री रूट थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर टू वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई इंटू वन बाई टू अपॉन वन इक्वल वन। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन टू रूट थ्री, एक्स अपॉन टू रूट प्लस वाई अपॉन टू इक्वल वन। तो यहां से एलसीएम क्या आएगा, टू रूट थ्री, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वो एक्स प्लस रूट थ्री वाई माइनस टू रूट थ्री इक्वल जीरो, यही गिवन है। टेंजेंट की इक्वेशन वो किस कर्व के लिए आई, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल नाइन, उसने पूछा था इनमें से किस कर्व के लिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी एट पॉइंट थ्री रूट थ्री बाई टू कोमा वन बाई टू। दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए थे हमने, जैसे कर्व को सेटिस्फाई कराया पॉइंट से, बचा ए एंड सी, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट फॉर्म एक्स इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल वन। तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट। ठीक है, ए नहीं होगा, ऑप्शन सी। शांत रहे, बिल्कुल हो गया ये क्वेश्चन सबका भाई, टाइम पाओ क्लास में तभी होगा, 12:15 का टाइम है ना, किसने कर दिया 12:30, 12:15 फिक्स है, और मैं पहले भी बता चुका क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया सबने, करेक्ट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स to the ellipse for x square plus 3y square equal 5 which are inclined at 60 degree to the axis of x are option A y equal root 3 x plus minus 65 upon 12. एंगल आपको दिया है, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो, एम की वैल्यू आ जाएगी 1060, वो वैल्यू पुट कर देंगे, ए भी आपको गिवन है। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, हम बस वो अप्लाई करो है
एक्स एक्सिस ही तो दे रखा है ना, टू द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर। हाँ तो वाली वर्टिकल में ले लो, वहाँ पे स्लोप फॉर्म में क्या प्रॉब्लम आएगी? सेट इक्वेशन तो वही सोल्व होगी ना, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, कोई भी चेंज नहीं होगा। वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी तो पुट करेंगे दोनों केस में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया अब ये तो देख, चलो मैं गोलू क्या इतनी बातें करता रहता है, पूरा किधर को बैठ, सॉल्व कर क्वेश्चन। आगे बैठता था पीछे बैठने लगा, दो ही दिन हुए हैं पढ़ाई खत्म हो जाएगी ऐसे तो। हाँ राइलिप्स में कुछ समझ में या वैसे ही हो गया मामला फिर गड़बड़, बीच में तो आया ही नहीं सर, बाहर जाना पड़ेगा। शुरू में तो ठीक था, शुरू में तो आया था समय, शुरू में आ रहा था समझ, कोई नहीं। बारहवीं में पढ़ेगा तो ट्वेल्थ में ना, देख रहे लक्षण कर ले है? कर लिया भाई, कब करेगा पीयूष? क्या है आंसर? ए। बस 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 शांत रे शांत, बस इतना ज्ञान अध्ययन कैप। हाँ भाई लव कुमार आया नहीं तेरा? ए हाँ भाई ए ही है या पौनी चला रहा घर जा कब भी? ए बी, ये भी कोई बात हुई, ए बी सी डी में से ही है सर कोई? अरे बात नहीं रे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा? फाइव बाई वन, तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? या ए स्क्वायर में ही बात करनी है हमें? फाइव बाई फोर और बी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म y इक्वल b स्क्वायर। m की वैल्यू क्या होगी? tan 60 क्या होता है? रूट, तो y इक्वल रूट 3x प्लस माइनस a स्क्वायर 5 बाई 4 m स्क्वायर 3 प्लस अब तो मुझे ये कहना भी बेकार लगता है कि पढ़ लो, जो पढ़ रहे वो पढ़ ही रहे, बहुत से मान चुके खुद ही बनी मन में कि हम ट्वेल्थ में पहुंच चुके हैं और अभी छुट्टियां चल रही हैं, 4 मार्च से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हाँ और 4 मार्च का अगला भी 4 मार्च आ जाएगा 25 वाला ड्रॉपर में ना, ड्रॉपर वाले से मिल लेना आज एक बार भी आएंगे 1:30। वैष्णो देवी जा रहा तो है, कौन से कहाँ से? तो ये ट्रिप थोड़ी, कौन लेकर जा रहा है? हम्म, कब? जैसे ही, अच्छा मैं यहीं से जोड़ लूंगा हाथ, बस रे साथ। लेट पी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द एलिप्स
9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल 144 सच दैट द टेंजेंट एट पी टू द इलिप्स इलिप्स इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 135 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर ऑप्शन ए 16/5 9/5 स्क्वायर रूट ऑफ 143/3 1/4 8/9 रूट 77/3 आ गया किस किस का आया भाई अरे एक हफ्ते की बात हो रहे है तुम भी कम बोलो मैं भी तुम्हें कम डांट मारू ज्यादा बेटर नहीं रहेगा तो शांत रहा करो भाई मुझे ठीक है ए कैसे चेक किया टेंजेंट इक्वेशन या डायरेक्टली भी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन बी स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये हमने लिखा था ना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का इन स्लो फॉर्म में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या थे प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन और बी स्क्वायर अपॉन एम की वैल्यू क्या है यहां पे माइनस वन और ए क्या है ए फोर और बी अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी अब उसने पूछा किसमें पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे दोनों पॉइंट क्या होंगे तो यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएंगे पॉइंट निकल के और वो क्या आएंगे ए ऑप्शन ठीक है क्योंकि उसने मेंशन किया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है चीजें ठीक है कल ही पढ़ा था हमने एक ज्यादा पुराना नहीं है अगर किसी को कुछ नया नया सा लग रहा हो जाता है नया नया सा लग रहा है लग रहा ना नया नया सा ये वैसे पहले पढ़ाई नहीं कभी है चलो एक बात बताओ कितने लोग हैं जो जाके पढ़ते हो यहां से मैथ हाँ मतलब मैथ की कॉपी खोलते हो जो पढ़ाया जाता है सच वाला बताओ ऐसे नहीं झूठ रहा मतलब ये 10 भी नहीं हो पूरे यही क्वेश्चन कर लेते हैं भाई जिनकी कॉपी खुल रही है वही क्वेश्चन बता रहे हैं
बाकी लोग क्या पढ़ते हो भाई जाके ऐसा, या पढ़ते ही नहीं हो? पढ़ते ही नहीं क्या है? अच्छा, क्या पढ़ते हो उसमें? और इसको छोड़ देते हो या मन नहीं करता है पढ़ने का है? मन नहीं करता? किसने बोला? तूने? हाँ, अरे कोई बात नहीं, क्यों नहीं करता, क्या रीजन है? हैं? चलो भाई सा पीछे वाली तीन से चार डेज अगर आवाज आई ना आपकी बार ठीक, अरे साथ, अरे समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। लेकिन इफ द भाई लास्ट है रे, आवाज आने नहीं चाहिए। नहीं से फिर आज के बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये एंड पे, ये पढ़ा पहन नहीं से ठीक है ना। मैं बेइज्जती कराने नहीं आया तुमसे अपनी, कि मैं चार बार बोल चुका ना, तुम लोग मेरे पे कोई आसान कर रहे हो पढ़ाई करके, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अब क्या आवाज आई, पहने पढ़ा, फिर जाओ जिससे पढ़ना पढ़ो, और जिसको बोलना है बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तुम ही पहले नहीं हो जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूं। समझ में नहीं आता कुछ भी, पढ़ना तुम पे एक अक्षर नहीं आता, जो तुमसे मैं पूछ लो और बात कितनी करा लो। उल्टा जवाब दिया लो, वो को कितने भी दे सकते हो। मजाक ही बना लिया बिल्कुल, आराम से बोल रहा हूं, आराम से, शांत हो जाओ शांत हो, नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम मेहनत नहीं करते, मैं तो करता हूं ना, तो मेरे को तो पढ़ाने दो। क्वेश्चन तुम्हें सोल्व नहीं होता, मैं किसी का भी देख लूं, ये सात आठ को छोड़ दो बस। ये तुम्हें मजाक लगता है बस यही, कि कुछ भी कर दो क्लास में, ये धोखा अपने माइंड से निकाल लो भाई बिल्कुल भी। किया होगा पहले तो किया होगा मैथ की क्लास में, तो पढ़ाने आओ और पढ़ो बस इतना ही, नहीं पढ़ना जाओ उठ के क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक ही बिल्कुल। If the radius of the largest circle
विद सेंटर टू कॉमा जीरो इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल 36 इज आर देन 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 115 एंड ऑप्शन डी 92. मुझने कहा एक लार्जेस्ट सर्किल है जिसका सेंटर 2.0 है, इंस्क्राइब्ड है इन द इलिप्स, इलिप्स का सेंटर 0.0 है, इलिप्स के अंदर है लार्जेस्ट सर्किल ऑफ रेडियस आर. ठीक है, आर की वैल्यू पता चल जाए तो बस 12 आर स्क्वायर काम हो जाए. सबसे पहले तो इलिप्स बना लो इसे सिंप्लीफाई करके. हॉरिजॉन्टल होगा इलिप्स क्योंकि ए 6 है, बी 3 है और इसी के अंदर लार्जेस्ट सर्किल उसने कहा विद सेंटर 2.0. अगर इसका हम सॉल्यूशन की भी बात करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 1, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इक्वल 1. एक इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास, ये पॉइंट क्या है इसमें 6.0 माइनस 6.0 एंड दिस पॉइंट इज 3. ठीक है, अब सेंटर 2.0 पे बात करें तो यहां पे इस 6 से यहां पे कोई पॉइंट होगा डी 1. टू कोमा जीरो. अब रेडियस आर का लार्जेस्ट सर्किल है तो लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी किसी भी एक पॉइंट से इलिप्स पे अगर हम टच करते ही बात करें जो लार्जेस्ट. उसने पूछा ना कि द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विद सेंटर 2.0. ठीक है, मान लीजिए यही हम एक सर्किल यहां पे ड्रॉ कर ले और ये कोई पॉइंट है हमारे पास पी. ठीक, सेंटर 2.0 पूरा तो हो ही नहीं सकता, रेडियस आर का इलिप्स है सेंटर पूरा तो बना भी नहीं सकता, इस सर्किल के अंदर ही है. उसने ये थोड़ी कहा सेंटर भी सेफ नहीं कहे 2.0 लार्जेस्ट का, ये थोड़ा यहाँ से टच होते चला जाएगा तो बनाएगा. ठीक है, लार्जेस्ट रेडियस तो यही लार्जेस्ट हो सकती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाएगा. अब इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, इसकी हमें जरूरत भी नहीं, एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस. ठीक है, अब ये इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर तो इनमें इंटरसेक्शन भी होगा, तो यहां से क्या हम वाई की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते थे,
वाई स्क्वायर इक्वल क्या था यहां से, 1/4 यहां पुट कर दे तो ये क्या होगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल आर स्क्वायर। जहां पे टच करेगा वो पॉइंट तो निकाल सकते हैं ना, इलिप्स और सर्किल आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे, वो ही लार्जेस्ट रेडियस होगी ना, जहां भी ये सर्किल इलिप्स को टच करेगा वो ही क्या होगी, लार्जेस्ट रेडियस होगी। उससे बड़ी रेडियस का तो नहीं सर्किल ले सकते आप जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, उससे बड़े का तो बाहर चला जाएगा ना। तो लार्जेस्ट रेडियस क्या होगी, लार्जेस्ट सर्किल क्या होगा, जहां पे ये सर्किल इलिप्स को टच करेगा, टच करेगा तो इन दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं यहां से, सोल्व करें से, स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल आर स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई 4x स्क्वायर 16x प्लस 36 माइनस 4 4x स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल 0। अब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो किस पे होगा, लाई ऑन एलिप्स, और जो पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, तभी वो एक ऐसा सर्किल मिलेगा लार्जेस्ट जो एलिप्स को टच कर रहा होगा, इंस्क्राइब करने का मतलब। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, बी स्क्वायर 16x है तो 16 स्क्वायर माइनस 4 ए क्या होगा, 3 52 माइनस 0 ये है रिलेशन। सिंप्लीफाई करें ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगा इसका, माइनस 12 इंटू 52 प्लस ये क्या आएगा डिफरेंस, तो 56 माइनस 12r² इक्वल, तो 12r² 624 माइनस क्या आया डिफरेंस, आर स्क्वायर के साथ 4 भी है, अच्छा 4r² भी है, तो ये क्या हो जाएगा 12 × 4, ठीक है, क्या आएगी ये वैल्यू बताइए, 1 इवन नंबर बचेगा ये 3 और ये 12 × इससे कैंसिल होकर क्या आएगा वैल्यू, हाँ तो 12r ये 12 ही रख ले, 4 से डिवाइड कर दे आ गई वैल्यू 192, और 92 में बहुत फर्क है, 12r² डायरेक्टली क्या आ गया 90 है, तो डी
भाई देखो क्वेश्चन को समझने, उसने कहा कि एक रेडियस है लार्जेस्ट सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट। अब जो कोई भी सर्किल एक एलिप्स में इंस्क्राइब होगा तो उसकी जो लार्जेस्ट रेडियस का सर्किल होगा वही होगा जहां पे वो टच करेगा एलिप्स को, वही बनेगी लार्जेस्ट। तो वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिया, वहां से क्या आ जाएगा आर, वहां से क्या मिल जाएगी आर, ठीक है। और आर फाइंड होते ही हमें 12 आर स्क्वायर चाहिए था, तो हमारे पास तो 12 आर स्क्वायर डायरेक्टली एक रिलेशन मिल गया, वो क्या है 92। एक तरीका तो ये है, या एक तरीका है एक पैरामीट्रिक फॉर्म में एक पी पॉइंट लें, इसके सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, तब आर आएगा, उस आर की वैल्यू पुट करें तो 12 आर स्क्वायर आएगा। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 23 में भी 22 में भी, 23 में ऐसे है 22 में न्यूमेरिकल टाइप में, वहां पे 10 अल्फा स्क्वायर पूछा है उसने, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको जब भी वो लार्जेस्ट की बात करें मतलब वो पॉइंट निकालना है जो उन दोनों का एलिप्स का और सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे वो टच करेगा, उसी रेडियस का लार्जेस्ट ये सर्किल मिल सकता है, ठीक, समझे या नहीं? स्लाइड तो कर देंगे जी, बात ये क्लियर हुई? तो जो भी आपको अगर फिगर भी आप नहीं बना पा रहे, इमेज भी, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से आर आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि या तो वो सेंटर गिवन होगा या आपको रेडियस गिवन होगी, वहां से सर्किल की इक्वेशन आप लिख सकते हो। एलिप्स आपको दे ही रखा है, ठीक है, और ये जो एलिप्स है ये हॉरिजॉन्टल ही होगा क्योंकि ए ग्रेटर देन क्या है बी, ये जरूर ध्यान रखिए, ए ग्रेटर देन। डाउट कुछ पक्का? वो सर डाउट जब आएगा जब हम पढ़ेंगे, बिना पढ़े तो सब क्लियर ही है। अगर ये क्वेश्चन दोबारा लिख दूं कितने कर दोगे? अब भी वही 7-8, बाकी अब भी नहीं कर पाएंगे बिना पीछे देखे। अरे कंसेप्ट समझ में आया, चीज समझे जो बताया, खेल वही है बस। और ये बाकी लोग जो दोबारा अब भी नहीं कर पाओगे वो क्या करोगे हैं? क्या कह रहा लव कुमार? अरे बता दे क्या कह रहा था दूसरा, कर सुसाइड, ये नहीं करने गए करवा सके। बस 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 बस, हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका, आंसर इज डी 92। मतलब कुमार तेरा क्या था 223/3? बस रे बस, अब शांत, अब नहीं आवाज आनी चाहिए। मैं कहता हूं ना जब मेन चीज चलते है ना क्लास में, आंसू तुझे सिखाना है। लिखिए, कोई बात नहीं, लेट जाइए। कंसीडर इलिप्सिस ई ऑफ के, के एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल 1, या k इक्वल 1 2 से
20, ये भी मेंस 23 का ही है. लेट सी के बी द सर्किल विच टच touches the four chords joining end points one minor axis and another on major axis of the ellipse EK if RK is the radius of circle CK, then the value of summation k equal 1 to 20 1 upon rk square is option A 3320 लगाओ सान. अब आप लोगों की तरह बहुत से लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पढ़ा और छोड़ दिया, क्योंकि ये ई के सी के लिख रहा है, यही आदमी छोड़ देता है, बोला नहीं नहीं खत्म अपने कहानी. पर 23 में अप्रैल में जो इजी क्वेश्चंस को अगर हम करें उनमें से एक ये था. हाँ थोड़ा समझेंगे, अगर हम इजी क्वेश्चंस की बात करें अप्रैल शिफ्ट में उनमें से एक था, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दिखते ऐसे हैं कि पता नहीं क्या उनमें अप्लाई होगा, लेकिन वो बड़ा सिंपल होता है जब हम करना स्टार्ट करते हैं चीजों को. ठीक है, सबसे अगर टफ मैथमेटिक्स आया था वो 23 में आया था, अभी लास्ट में 21, 22, 23, 24 में से अगर हम चार साल में देखते हैं तो 23 से टफ मैथ के क्वेश्चन किसी में नहीं, 24 आसान आया, 22 भी आसान था, 21 भी एवरेज था. 23 का क्वेश्चन हर क्वेश्चन बढ़ गया, लेकिन 23 में अगर इजी वाले क्वेश्चंस में अप्रैल शिफ्ट में देखे तो ये एक इजी वाले में था. उसने कहा कि एक इलिप्स है ई के, ठीक है जी ये ई के इलिप्स दे रखे E1, E2, E3, E4, ये सारे उसने के की वैल्यू कहां से 1 से 20. ठीक है, तो अगर हम बात करें इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले तो वो लिख लें एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर 1y = 1. ठीक है, उसने कहा कि सी के एक सर्किल है जो टच करता है फोर कोर्ड्स को, चारों कोर्ड जो माइनर और मेजर एक्सिस से हम कनेक्ट करें, इलिप्स की माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस से हम कनेक्ट करते हैं उन चारों कोर्ड को, ये सर्किल क्या है टच करते हुए जाता है. जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, और ये एक इलिप्स है, तो इसकी एक माइनर और मेजर एक्सिस से ये कोर्ड होगी, ऐसे ही इधर एक कोर्ड होगी, ऐसे ही इधर एक कोर्ड होगी, ऐसे ही इधर एक कोर्ड होगी, चार कोर्ड यही बनेगी भाई, इलिप्स हमारा ऐसे चला जाएगा.
उसके अंदर हमारा ये सर्किल है, ठीक है। और इसकी रेडियस उसने क्या कही, ये आर के है, ठीक। चारों की हमें जरूरत भी नहीं है, चारों हमें भाई जैसे ये है ऐसे ये वाली कोड टच करेगी, ऐसे ही ये वाली कोड टच करेगी और ऐसे ही ये वाली कोड टच करेगी, ठीक है। और ये ऐसे आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते। अब जो ये कोड है यहां पे पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस का 1/√k,0। ये हमने ए पॉइंट ले लिया, ये हमारा बी पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 1/√k,0, ठीक है। और ये बी पॉइंट क्या होगा यहां पे, 1/k, ये पॉइंट आ गया, ठीक है भाई। मेरे से उसने इन रेडियस के इनवर्स का सम पूछा है, जो 20 सर्किल है उनकी रेडियस का सम ही तो पूछा है, R1 R2 अपॉन में ले गया इनके इनवर्स का सम पूछा, बात यही है। तो मुझे मेनली क्या निकालना है, आर के। अब मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकता हूं, दो पॉइंट्स है, इंटरसेप्टिंग फॉर्म लाइन की इक्वेशन भी लिख सकता हूं, या y = y − y1 करके भी फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। तो ये क्या होगी, x अपॉन इंटरसेप्ट किस पे कर रहा है, x एक्सिस एंड, तो x अपॉन 1/√k प्लस y अपॉन 1/k इक्वल 1, इंटरसेप्टेड फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x/a + y/b इक्वल। तो यहां से क्या आएगा आपके पास, √kx + ky − 1 = 0। ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई, इक्वेशन ऑफ, ये सेंटर क्या है, 0 0, सेंटर क्या है, इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो आर के है, इससे एंटर से और इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, निकालिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के क्या आ रही है, करो करो जल्दी बताओ, देखो यहां तक ऐसी कोई भी चीज हमने नहीं की, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से चले। तो आर के की वैल्यू बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, अगर हम इस पे बात करें, ये पॉइंट जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो जीरो, ये −1/√k² तो ये क्या आ जाएगा, आर के इक्वल 1/ k + मोड में डिस्टेंस की बात करें तो नेगेटिव नहीं होगा, मोड था तो −1 किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस। तो 1/√k क्या हो जाएगा भाई, k² प्लस, और 1/√k² k² प्लस k, ये आ गया जी। इसी की हमें वैल्यू चाहिए थी, हमने कुछ भी नया अप्लाई नहीं किया, सिंपली के को के ही रहने दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दे इस समेशन में, तो जो समेशन था k = 1 to 20 k + k² और दिस इज समेशन k = 1 to 20 k + अब ये तो तुम जानते ही हो, समेशन n क्या होता है, n (n+1/2), समेशन n² क्या होता है, n (n+1) to n+1/6, पढ़े होंगे सीरीज सीक्वेंसेस सब। तो ये तो डायरेक्टली यहां पे क्या हो गया, k (n) में k (k+1)/k क्या है 20, और ये
के इंटू बाई सिक्स, के क्या होगा 20 इंटू 21 बाई टू प्लस 20 इंटू 21 टू के प्लस 40 बाई सिक्स। क्वेश्चन सोल्व। थ्री जीरो एट, थ्री जीरो एट जीरो ना, ऑप्शन सी। तो ये भाई एलसीएम ले लो, थ्री लव कुमार आ जाएगा, बहुत बढ़िया बस। अरे ये क्या हो गया, टेन थ्री टेन, बहुत बढ़िया बस खत्म हो गया। मतलब ये क्वेश्चन बस दिखने में ही था ई के, वहीं पे हम लोग अपने प्राण छोड़ चुके थे, मतलब हथियार डाले, मतलब खत्म, हमारे मतलब का है ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, इस साल भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, किसी में भी कंसेप्ट में लिमिट पड़े वहां भी मिलेंगे क्वेश्चन। इतना भारी भरकम आता है एफएक्स जीएक्स, कल ही में एक क्रैश कोर्स में क्वेश्चन करा, इतना ही भारी भरकम हुआ, उन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन एक बार एटलीस्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितना हम जानते हैं उसको, जिसके समझ में ये आ गया, इसमें कुछ नहीं था कि वो कह क्या रहा है, बस इतनी सी चीजें समझनी थी। ये चीज समझ में आ गई तो अपना काम हो गया। ए और बी यही तो उसने कहा फोर कोर्ड्स पे, और वो माइनस और मेजर एक्सिस को टच करते हैं कोर्ड, तो इसी टाइप की हूं। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। और इक्वेशन ऑफ लाइन ये तो हमने इंटरसेप्टेड फॉर्म में लिख ली, या आप नहीं ध्यान है तो ये तो है ही वाई माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, वहां से भी यही आएगी। स्लो फॉर्म में पता ही है वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, पढ़ चुके ना स्ट्रेट लाइन, तो ये तो पूछना ही बेकार है। मैं भी ये पूछ लूं, पैराबोला पढ़ चुके ना, तो गलती किसी की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। हो गया भाई ये पीयूष, हो गया टूर पर जा रहा पीयूष भी, कौन है वे दस बच्चे, सर सेलेक्ट नहीं करिए अभी सर ने, या तुमने सर को सेलेक्ट किया, अच्छा आज अनाउंस किया है क्लास में, क्लास में अनाउंस किया, और सारे चलते हो, सारे चलो तुमको सारे ले जाओ, तो तुम सर दस तैयार हो गए, इन लोगों को हमें तो जाना कहीं ले जाओ। चलो भाई साहब लिखिए क्वेश्चन। अरे बस देखो अभी मैं क्वेश्चन लिखवाना शुरू करा, एक और लेट ए सर्किल ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस फोर बी कंसेंट्रिक टू द एलिप्स, टू द एलिप्स 15 एक्स स्क्वायर प्लस 19 वाई स्क्वायर इक्वल 285, देन द
कॉमन टेंजेंट देन द कॉमन टेंजेंट आर इंक्लाइंड टू द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एट द एंगल ऑप्शन ए पाई बाय फोर, ऑप्शन बी पाई बाय थ्री, अरे फिर अरे क्वेश्चन कर ले लव कुमार, अरे फिर बात अरे अरे लव कुमार, और वो आगे ये तेरे से आगे इतनी बात पीछे क्या करता है? आओ आओ घूम का आ गया, करिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन ढूंढ लो, और भी तो कराने हैं, जल्दी बता भाई। दिखाओ कैसे,
अरे शांत बिल्कुल यार, फिर वही कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी यहां पे? क्या थी? वाई इक्वल एम एक्स ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए क्या है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वाई इक्वल वाई माइनस प्लस माइनस 19 एम स्क्वायर प्लस 15, ठीक। और उसने कहा कि आपको रेडियस कितनी दी है 4, तो जो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये, अगर पैराबोला में भी हमने पढ़ा ध्यान हो। अगर मान लीजिए ये आपका सर्किल है, ये टेंजेंट जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, रेडियस आर कॉमन टेंजेंट है एलिप्स पे और सर्कल पर। तो यहां पे अप्लाई करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, सेंटर क्या है दोनों का? जीरो जीरो, क्योंकि कॉमन सेंटर दिया है सर्किल और एलिप्स का कॉमन सेंटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये तो जीरो हो जाएंगी टर्म, ये क्या होगा प्लस माइनस अपॉन इक्वल 4, ये आया। यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करो, बहुत साइड 19 एम स्क्वायर प्लस 15 इक्वल 4 1 प्लस 1 बाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 7 ये हो गया भाई। इसको इधर लाएंगे तो ये कितना बचेगा 15 एम स्क्वायर तो ये कितना बचेगा आपके पास 3 1, तो m इक्वल रूट 3 m इक्वल 1 बाई प्लस माइनस भी अगर हम बात। अब ये जो एलिप्स है इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस है, मेजर एक्सिस क्या है x एक्सिस है, तो ये एंगल आया x एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि आप देखिए a ग्रेटर देन b है, तो m इक्वल टेन थीटा, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा पाई बाई, ये वन बाई रूट थ्री किसकी वैल्यू होगी, ये एंगल तो बनेगा मेजर एक्सिस पे। अब लेकिन एंगल पूछा है उसने माइनर, अब ये स्लोप आया किसका मेजर एक्सिस पे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपस में कैसी हैं परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट एम वन इंटू वन बाई रूट थ्री इक्वल माइनस वन, तो यहां से एम वन क्या आ जाएगा माइनस रूट थ्री, माइनस लोगे तो प्लस रूट, ये एंगल कितना बनाएगा पाई बाई थ्री, तो यहां से आपके पास एंगल आएगा पाई बाई थ्री फॉर माइनर एक्सिस। ये जरूर ध्यान रखिए कि ये आपकी मेजर एक्सिस क्या है, हॉरिजेंटल है या फिर वर्टिकल है। क्या पाई बाई फोर में से क्या होगा उससे पाई बाई टू से करोगे तो अपना पाई बाई टू से करेंगे वही आएगा, ठीक है क्लियर। देखिए नेक्स्ट, देखो
जिस दिन हाइपरबोला खत्म होगा ना उसी दिन आप लोगों की छुट्टी होगी, ये आपको मैं आज इन्फॉर्म कर दूं। वो 18 खत्म करवाओगे वो आप पे डिपेंड करता है, 20 करवाओगे वो आप पे, 21 होगा वो आप पे, जब ही तीनों क्लासेस की छुट्टी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अदरवाइज फिजिक्स की भी क्लास होगी केमिस्ट्री की भी होगी, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, और मैथ की भी होगी जब तक कोनिक। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लंबा चाहते हो खिंचवाना या यही बात करके, पर जब तक हाइपरबोला नहीं होगा ऑफिशियली यहाँ से ऑफ अनाउंस नहीं होगा, ये मैं आज आपको क्लियर बता, चाहे फिजिक्स में भी क्लास चलेगी और केमिस्ट्री भी और मैथ की भी, ठीक है।